अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक था मोबाइल फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड। इसमें मैं आपको इस फ़ोटो की एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कैसे हम अपने फ़ोन से अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। सब में सेंसेस होती हैं फ्रेम लेने की मोबाइल से, लेकिन बस उसको ऑन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इंटरेस्ट और गौर व फिक्र से आप फ्रेम ले सकते हैं। अब जैसा कि ये फ़ोटो मैंने लिया, ये एंगेजमेंट का स्टेज था। ये जो पॉइंट आउट किया हुआ है, यहाँ ये टेबल पड़ा हुआ था, इसको मैंने यूज़ किया पिक्चर लेने के लिए। ये इसकी रॉ फ़ोटो है। अब इसमें रिफ्लेक्शन यूज़ की है मैंने, स्टेज की रिफ्लेक्शन मिरर में, उस हिसाब से फ्रेम बनाया। तो ये फ़ोटो मैंने ली है P20 Pro से, हवावे का फ़ोन है, ठीक है। ये इसका एक्चुअल रिज़ल्ट है। अब सिंपल इसका मैं फ्रेम लिया तो इसका ये अच्छा फ्रेम आ गया। अब इसको मैं बताऊँगा एडिट करने का तरीका आपको। आप मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, स्नैपसीड, इजी टू यूज़ है, एंड्रॉयड में एप्पल में दोनों में अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट। ये रॉ फोटो है और इसका एक्चुअल रिजल्ट था आफ्टर एडिटिंग दिस। तो लेट्स स्टार्ट। इसको फ़ोटो में ओपन करेंगे स्नैपसीड में। अब ये इसके नीचे टूल्स हैं, टूल्स ओपन किया, ये काफ़ी फीचर्स हैं, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, इजी टू यूज़ है। ट्यून इमेज से स्टार्ट किया, एम्बियंस, इसके एम्बियंस में लेके जा रहा हूँ 52 पे हाइट, और शेडोज़ मैंने उठाई हैं। शेडो का ये फीचर है कि ये जिस जगह पे ब्लैक शेडो ज़्यादा होगा वो उसको कम कर देगा। अब ये मैं HDR लगाऊंगा फ़ोटो पे कुछ। HDR की इंटेंसिटी मैंने यूज़ किया 27, और इसमें अगर आपको लग रहा होगा किसी पॉइंट पे लाइट कम या ज़्यादा है स्पेसिफिक पे, उसको टारगेट करके आप उतने एरिया के हिसाब से लाइट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिटेल देख रहे हैं आप, ये फ़ोन की डिटेल है सारी। ये एक्चुअल फोटो है, ये एडिटिंग के बाद। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल है, ये आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको मज़ीद फ़ोटोज़ का बता सकता हूँ। आप अपने मोबाइल से स्टार्ट करें फ़ोटोग्राफी, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बारे में जो भी गाइडेंस चाहिए होगी हम वो आपको गाइड करेंगे। स्टार्ट इससे ले रहे हैं, DSLR से भी बता सकते हैं, लेकिन यह है कि हम मोबाइल को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मोबाइल से बहुत अच्छी पिक्चर्स ली जा सकती हैं, बताने का मकसद यह है। थैंक यू।